हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा। गाइस, आज की वीडियो एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम के ऊपर है, जो कि जॉनसन्स कंपनी की क्रीम है, सॉफ्ट क्रीम। अच्छा, ये दावा करते हैं 24 आवर आपके स्किन को मॉइस्चर करती है, और 3 स्टेप्स ऐसे हैं इस क्रीम के कि आपको आपके स्किन अगर बहुत ज़्यादा डल है तो डलनेस को ख़त्म करती है। सेकेंडली, आपके स्किन को टाइट करती है, और थर्ड ये कि अगर आपकी स्किन बहुत फ्लैकीनेस वाली हो रही है तो उसको भी ठीक करती है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी आपको वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो गाइज, कंपनी आपको लिखती है कि ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और इस क्रीम की कि आपके स्किन को वेलवेट की तरह सॉफ्ट कर देती है, और मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सेकेंडली, ये कि इसके अंदर शिया बटर है, और शिया बटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन को सॉफ्ट बनाता है, साथ साथ आपके स्किन टाइटन भी होती है। अच्छा, अब बात की जाए कि इसको कौन से स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास व्यूवर्स आते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं और कहते हैं कि आप हमारी स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, डल है आपकी स्किन, और अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर ऐसी क्रीम्स लगाते हैं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली क्रीम यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। वेल, ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये समर्स में भी गुड है और साथ में विंटर्स में भी गुड है। नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको समर्स में यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्किन के साथ स्किन को ग्लो देती है, बट स्किन के अंदर एक ऑयल सा महसूस होता है, तो ऑयली स्किन के लिए तो ऑलरेडी ऑयल होता है, तो ये ऑयल को रिड्यूस नहीं करती है, आपके स्किन में एक मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जो कि आपके स्किन में एक चिकनाहट भी आ सकती है। बट अगर आप यूज़ करते हो ड्राई स्किन पे, तो ड्राई स्किन के लिए ये बहुत बहुत सुपर डुपर क्रीम है। और दूसरी बात यह है कि जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेबीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट इसके अंदर 2 ऐसे इंग्रेडिएंट है जिसमें मिथाइल और पैराबिन, सो ये दोनों केमिकल्स हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं, बट ये आपके स्किन के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप इसको यूज़ करते हो, बच्चों पे यूज़ मत कीजिएगा, आप इसको टीनेज में यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, स्पेशली हैंड्स बहुत ड्राई होते हैं, बहुत सारी खवातीन घर में काम करती हैं, हैंड्स ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसको हैंड्स पे यूज़ कर सकती हैं, फेस पे यूज़ कर सकती हैं, और फीट्स पे भी यूज़ कर सकती हैं, होल बॉडी पे भी यूज़ कर सकती हैं वॉश करने के बाद। सो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, चिपचिपापन फील नहीं करवाती है, बिल्कुल लाइट टेक्सचर फॉर्म में है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है 200 ml। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो आपको अराउंड ये 400 rupees में मिल जाएगी, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं स्क्रीन के नंबर के ऊपर, और आप इसको वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको डाल दूंगी। दूसरी बात की जाए कि क्या ये कलर को फेयर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हर क्रीम जो है वो नाइट क्रीम होती है, तो ये जस्ट एज अ मॉइस्चराइज़र क्रीम है। सो आप इसको मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हो, और मेकअप से पहले अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सबसे पहले आप स्टिक लगाने से भी पहले, फाउंडेशन से भी पहले अगर अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें तो वो वेल एंड गुड मेकअप होता है, और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छे से वर्क करती है। 6 to 8 hours तक आपको ये सॉफ्ट रखेगी, बट अगर आप जब जब फेस धोओगे तो आपको अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने आपको लिखा है कि 24 hours जो है वो आपको सॉफ्ट फील करवाती है, बट 24 hours के अंदर हम 2 से 3 बार या 4 बार चेहरा धो लेते हैं, तो जब हम चेहरा धो लेते हैं तो ये फेस से जो है वो रिमूव हो जाती है, और उसके बाद आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ती है। तो कंपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिख देती है जो कि दिमाग से थोड़ी ऊपर होती है, बट ठीक है, आप इसको 6 आवर ऑलमोस्ट आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी। बट अगर आपने स्किन धो ली है, फिर से आप इसको अप्लाई कीजिए, फिर आपको 6 घंटे तक और अच्छे से स्टे रहेगी, और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगी, और ड्राई स्किन के लिए सुपर डुपर क्रीम है। नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अगर आप चाहते हैं ऑयली स्किन वाले से यूज़ करना तो आप विंटर्स में कर सकते हैं, बट समर में नहीं। क्वांटिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, 200 ml बहुत सारी है। अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो एक नॉर्मल बंदे के लिए 3 मंथ्स तक चल सकती है।
ओके, सो बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज सिंपल है, चेहरे को धो लीजिए और हैंड भी वॉश कर लीजिए। अगर आप हैंड पे लगाना चाहते हैं तो हैंड पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चेहरा धोने के बाद ड्राई कीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप फेस धोएंगे जब अप्लाई कर लीजिए, 2 टाइम धोएं 3 टाइम धोएं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डे टाइम पे यूज़ कर रहे हो या आप नाइट टाइम पे यूज़ कर रहे हो। डिपेंड करता है कब आपने चेहरा धोया है और आपको कब मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र काम करेगी सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि हार्श केमिकल होते हैं, बट ये आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि क्रीम को स्टोर करने के लिए और ऐसा समझ लीजिए कि उसको लॉन्ग लास्टिंग तक रखने के लिए लाइक 2 ईयर्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो जो कि क्रीम्स में आते हैं, बट मेकअप प्रोडक्ट्स की जो डेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए 2 ईयर्स होते हैं, तो इसके लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं सो उसको स्टोर करने के लिए, बाकी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, और रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक और अच्छे से रिव्यू के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कोई रिव्यू करवाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।